आज मैं बना रही हूँ बथुए की कढ़ी। तो बथुए की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बथुए को धो के अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है और उसके बाद मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मैंने तेल और उसमें डाल दूँगी मैं तेल में हींग, जीरा और राई। तो इनके तड़कने के बाद मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ी देर भून लूँगी और उसके बाद डाल दूँगी मैं ये बथुआ, मतलब बथुआ नहीं है ये बाथरी है, इसे थोड़ी देर भून लूँगी। उसके बाद डालूँगी मैं इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाल दिए हल्दी पाउडर और उसके बाद डाल दिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। हल्दी हमें कम ही डालनी है क्योंकि कड़ी में ज़्यादा हल्दी अच्छी नहीं लगती है। और मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक। अब इसे थोड़ी देर भून लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे। उसके बाद हमें कड़ी का घोल तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी, बड़ी कटोरी के जितना दही ले लिया है और उसमें एक चम्मच डाल दिया है बेसन। बेसन हमें कम ही डालना है क्योंकि ये जो बाथली है उसकी कड़ी बनानी है तो उसमें बेसन कम ही जाएगा। तो दही को पानी मिलाकर अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और ये चिली फ्लेक्स मैंने घर पर ही बनाया है तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है। इससे क्या होता है कि कड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है जो कड़ी में दिखती है। तो अब हम इसमें कड़ी वाला घोल डाल देंगे क्योंकि बाथली हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे, लगातार चलाते जाना है वरना क्या होगा कि कड़ी अच्छी नहीं बनती, थोड़ी सी फट जाती है। तो बचा हुआ दही था, मतलब वो था कटोरा, उसको भी घोल के मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हमें इसे पकाना है। तो कड़ी को हमें 20-25 मिनट तक पकाना होता है। तो देखिए हमारी कड़ी अच्छे से बन गई है। तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। यहाँ पर मैं मिट्टी के दिए का तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने दिए में डाल दिया है घी। अब मैं चेक करके देख रही हूँ कि घी गर्म हुआ या नहीं। तो घी गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, हींग और खड़ी लाल मिर्च डाल दी है। अब मैं इसको दिए को डाल दूँगी कड़ी में। तो देखिए दिए के तड़के वाली कड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। बहुत ही टेस्टी कड़ी बनती है ये बथुए की, जिसमें लगा हो दिए का तड़का तो फिर क्या ही कहना। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म कड़ी तैयार है। और साथ में मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, लेकिन पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो जल्दी से मैं टिफ़िन लगा देती हूँ। तो मैंने एक छोटे से टिफ़िन में रख दी है पनीर की सब्ज़ी और दूसरे टिफ़िन में रख रही हूँ मैं कड़ी, क्योंकि मुझे कड़ी बहुत ही पसंद है। तो मैं यहाँ पर मेरा टिफ़िन जमा रही हूँ। और साथ में बनाई है मैंने मल्टीग्रेन आटे की गर्मा गर्म रोटियाँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कड़ी की रेसिपी? यदि रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।